मोदी विरोधियों ने अपना हीरो चुन लिया है। मोदी विरोधियों को लगता है कि राहुल गांधी से तो कोई उम्मीद नहीं है, ये अपनी डायनेस्टी छोड़ नहीं सकते। अखिलेश यादव भी कमोवेश वही है, उनसे भी वो अगर बेस हटा दिए है तो अखिलेश यादव भी कुछ है नहीं, काउंटर कर पाने की स्थिति में है नहीं। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव अभी कहाँ है इनका आता पता नहीं है। स्टालिन जो है वो कौन है इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ आए भी तो वो साउथ तक ही है, तमिलनाडु तक ही है। केरल में एक बार लेफ्ट एक बार राइट। रोजगार की बात करते हैं लोग हमेशा मुझसे कहते हैं अभिषेक भैया आप रविश कुमार पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम का इल्जाम नहीं लगा सकते। आइए बात करते हैं रोजगार की। पूरे 1 अरब 35 करोड़ के लोगों को अगर रोजगार दिया जाए सरकारी तो कितना लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, ये तो आप भी जानते हैं। इस बारे के इस बकवास में पढ़ने की जरूरत है नहीं। रविश कुमार से मेरा सिंपल प्रश्न है, तो क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल, केरल और तमिलनाडु में सरकारी रोजगार की बहार आ गई है? नहीं आई है। अच्छा ये क्यों नहीं है? कांग्रेस सरकार क्यों नहीं नौकरी दे पा रही है? बंगाल में तो ममता दीदी इतने दिनों से हैं, ये रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है? क्योंकि सच्चाई है कि मात्र 1.5% आबादी को सेंटर और स्टेट मिलाकर के सरकारी नौकरी दी जा सकती है। यानी 1 अरब 35 करोड़ का लगभग मैं 1.5% बता दूं, 2.5 करोड़ के आसपास आदमी, यही ना? तो इतने लोग सरकारी तंत्र में नौकरी कर पाएंगे, चलिए बढ़ा के 4-5% भी कर देंगे तो 10 करोड़ के ऊपर का एक्सट्रीम केस बना लें वेनेजुएला टाइप का, तो भी उससे ज्यादा नहीं। बाकी 1 अरब 25 करोड़ भजिया तलेंगे। अब बात करते हैं अंबानी अडानी की। रवीश कुमार और उनके भक्तों का ऐसा लॉजिक है कि अंबानी इसी साल पैदा हुआ 2014 में, इसके पहले अंबानी नाम की कोई चीज नहीं थी। अंबानी को मोदी ने पैदा किया, इसके पहले अंबानी जो है भारत में कुछ औकात रखता नहीं था। अडानी की भी कमोवेश वही है। तो भाई जब गांजा स्मैक फूकेंगे तो यही होगा। अंबानी 1970 में भी था, 95 में भी था, जब टेलीकॉम इंडस्ट्री भारत में आई 2002 में भी था, पेट्रोलियम में भी था, डिफेंस में भी था। उसी तरह अडानी ग्रुप भी पहले से ही था और मोदी के पहले भी था, मोदी के बाद भी रहेगा, कांग्रेस शासन काल में भी रहेंगे। इनको तकलीफ इस बात की है कि टैलेंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो नौकरी मिलेगी कहाँ से? ये जितनी सरकारी नौकरी आपने सीरीज चलाई आप एक बात देखें, किसी तरह चोरी चमारी करके बिहार के छपरा यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ले करके 3 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है पटना में, इसके अलावा इनके पास कोई और रोजगार का साधन है? ये दूसरे को रोजगार कहां से देंगे? आप ही का एक वीडियो वो क्लिप याद आता है जब कहते हैं हमको देखना पड़ेगा कि कितने लोग व्यापार के क्षेत्र में आए, है ना? तो वो देख लेते हैं। मैं आपके पीछे इसलिए पड़ा हूं क्योंकि आपके भक्तों को भी लगना चाहिए, और एक दिन मैं यकीन दिला दूंगा कि आप एक मानसिक रूप से विकृत हो चुके पत्रकार हैं। आपकी पत्रकारिता में अगर मोदी विरोध बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ बातें हटा दी जाए तो आपकी पत्रकारिता शून्य है। आप ऐसे प्रेजेंट करते हैं खुद को कि तमाम एजुकेशन सिस्टम में हुई परेशानियों की देन जो है वो मोदी की है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। बिहार को ही ले ले तो 1990-92 से ढंग के लेक्चरर बहाल नहीं हो, बीपीएससी के थ्रू तो बहाल ही नहीं हो। उसी तरह टीचर्स की भी यही हालत है, कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर चाहिए। टीचर ऐसे शानदार शानदार आएंगे, पॉलिटिकल अपना गेम है। ये आप 2015 में भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोल सकते थे। 2015 की परीक्षा में अंतिम चरण के बाद 4,000 सीटें कम कर दी गई थी, ऐसा छात्रों का कहना है। रेल मंत्री को देखना चाहिए कि उम्र सीमा में 2 साल की कटौती करने से नौजवानों पर क्या असर पड़ता है। यह समस्या तमाम सांसदों को भी रेल मंत्री के पास रखनी चाहिए। कोचिंग चलाने वाले भी कह रहे हैं कि रेलवे की जो भर्ती निकली है उसमें अधिकतम उम्र सीमा 30 से घटाकर 28 जो की गई है वो गलत हुआ है। चुनाव करीब हैं हरियाणा में, इसलिए 24 जून को इसी साल फॉर्म निकलता है, 8 जुलाई तक फॉर्म भरे जाते हैं, 14 सितंबर को एडमिट कार्ड मिल जाता है और 21, 22, 23 सितंबर जो गुजरा परीक्षा होती है सुपर फास्ट रफ्तार से। इस परीक्षा के लिए अलग अलग सामाजिक श्रेणी के 17 साल से लेकर 42 साल के युवाओं को शामिल किया गया, सारे वोटर आ जाए इसमें। 60 साल वाला 2015 में भी नीतीश कुमार के खिलाफ आप कुछ बोल सकते थे,
मगर उस वक्त लालू यादव के साथ गठबंधन में थे और आपके भैया कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, तो आपकी पत्रकारिता शायद डगमगा गई, आपकी ईमानदारी भी थोड़ी सी हिल गई। खैर रिजल्ट आया, नीतीश कुमार वापस चीफ मिनिस्टर बन गए। पूरा एजुकेशन सिस्टम पे जो आपने चलाया था 2016 में, उस दौरान बिहार को आपने नीतीश कुमार को उस चीज से अछूता रख दिया, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार उस वक्त गठबंधन में शामिल थे। अब आपकी महान पत्रकारिता पहुंचती है आरा के महाराजा कॉलेज तक, आपने वो दिखाया, सारी बातें बताई, लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। यह बात आप बताना भूल गए कि 1988-89 से तो यही चल रहा है। इस 30 सालों में लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस और मोस्टली जो है नीतीश कुमार ही शासक रहे, इसमें बीजेपी और मोदी का क्या रोल है? अच्छे लेक्चरर आप हायर नहीं करेंगे, लेक्चरर 20 नंबर वाला प्रोड्यूस करेंगे, तो अच्छा स्टूडेंट कहाँ से केमिस्ट्री में 100 नंबर लेके आएगा, बनेगा कहाँ से वो? आपने बताया लाइब्रेरी की बात करते हैं, लाइब्रेरी संरक्षण की आप बात करते हैं, अच्छा लगा देख के कि पहली बार कोई देश में बात करता है, लेकिन उसी वक्त आपका पॉलिटिकल एजेंडा दिख जाता है, लाइब्रेरी खत्म हो रही है। इस गूगल युग में कि कितने बच्चे जो है आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई ना कोई हमदर्द तो आपको मेल किया होगा कि गूगल से देख करके पूरी तैयारी की और वो IAS बना, कैसे लाइब्रेरी को संरक्षण किया। वक्त बदलता है रविश कुमार जी, अपने आप को आप भी थोड़ा अपडेट करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई टेक्नोलॉजी जो है बदल गई है। अब वो लोग किताबों को लेकर के नहीं पन्ने पलटते, उस किताबों में वो सूखे हुए फूल आपको नहीं मिलेंगे जो किसी प्रेमिका ने दिए थे, क्योंकि वो किताब ही नहीं है दराज पे। अब किताब की जगह कुछ और है, वो है लैपटॉप और डेस्कटॉप या फिर मोबाइल स्मार्टफोन, वहीं पे पन्ने वन टच में पलटे जा रहे हैं और वहाँ कोई प्रेमिका की चिट्ठी नहीं बसती, वहाँ किसी इंसान का सूखा हुआ गुलाब पुरानी यादों के साथ नहीं रहता। तो चीजें बदल गई हैं। अब आप आज भी फूल मैं भेजूं वाला गाना चलाएंगे तो कोई नहीं देखेगा, वक्त बदल गया है, लोग हनी सिंह को भी देखते हैं, मेरी बात और है, लेकिन लोग देखना पसंद करते हैं। तो आपको भी समय के साथ अप टू डेट होना होगा। और ये जो लगातार कर रहे हैं आप चमत्कार स्लो डाउन पे और इस पे, आपने पूछा ही नहीं, लोगों का कहना है कि भाई सरकार से सवाल पूछना चाहिए, तो मैं यही पूछता हूँ कि भाई किसानों का भला राजस्थान में क्यों नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुआ, बंगाल में क्यों नहीं हुआ, केरल में क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ बीजेपी की सरकार थोड़ी ना है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या पे आपने कभी बात नहीं की। आपको लगता है कि हर समस्या का देन जो है, ये पूरी हिंदुस्तान की समस्या 2014 में ही आई है और मोदी के जाते ही हट जाएगी, ऐसा नहीं। 1 अरब 35 करोड़ और ये जब तक जिहादी इस देश में रहेंगे, इस देश की 90% समस्याएं रहेंगी।